आओ जी, आप पहुंचे हैं बंदे यहाँ पर स्टेडियम में, हमें बुला के खुद ही लेट हो रहे हैं। अब सुबह उठे हैं तो ये नई प्रॉब्लम आ गई है। सही आंसर है वो तो वही बता सकता है इंसान। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज हम अभी जा रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है और बच्चों का आज पहली बार स्टेडियम लेके आ रहे हैं। वहाँ पर इसकी बुआ ने बुलाया, RCM में स्टेडियम, यहाँ से थोड़ी दूरी है, कपूरथला से 7-8 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी उनसे भी मिल लेंगे, शॉपिंग हो जाएगी कल, क्योंकि श्राद्ध है, जो मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी रिस्पेक्ट लिए करना होता है। तो ये सारे काम आज हमने थोड़े बहुत करने हैं, बाकी आपको दिखाते हैं। चलो फिर बेटा, चलो स्टेडियम चले फिर। स्टेडियम क्या होता है बेटा? देख लो, बच्चों को बेचारे को पता ही नहीं स्टेडियम क्या होता है। कोई नहीं बेटा, वहाँ पर जाके देखना क्या होता है, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं सारे। ठीक है, ओके, ठीक है। ये है स्टेडियम, यहाँ का काफी बड़ा है, वैसे काफी अच्छा भी है। करते शुरू, बंदे पहुंचे तो है नहीं यार। हमें खुद बुला के स्टेडियम में, आप खुद ही नहीं पहुंचे, बताओ। देखो जरा ध्यान से देखो, कहीं नहीं आया यार, नहीं आया। और जी, आप पहुंचे हैं बंदे यहाँ पर स्टेडियम में, हमें बुला के खुद ही लेट हो रहे हैं। आजा आजा आजा, साडा फिक्स टाइम है यही। यार तुसीं तां पूरी तैयारी च आए हो, हैं? अभी अपने कार्टून नाले लेके आए, अभी तां शॉपिंग दे हिसाब नाल आए। चलो स्टेडियम भी घुमाए, शॉपिंग भी हो जाएगी। साडा हुण सानूं महीना हो गया, असीं कि तैयारियां पूरियां हैं। लो जी, अच्छा मैट मैट भी होर के बल्ले बाज। चलो वधिया, इह तां लॉन्चर वांगू फड़ी होई है। ओ अंदर मुंडा शुरू हो गया, ओ मिट्टी शुरू हो गया, ओ लै इहनूं इक्को ही काम आंदा। बानू कल से तुम यहाँ आना, ठीक है? बच्चों के ग्रुप के साथ तुम्हें एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है बानू? नहीं, बच्चों का ग्रुप मतलब क्या काम, क्या होता सारे का? वो आसन वगैरह, रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज सारे ही कराता बंदा। छोटे बच्चों ना? हाँ। फीस वगैरह भी लेंगे? नहीं, कोई फीस नहीं होती। फ्री ची? पहलवान विधान मिट्टी में, पर एक नहीं दो दो कैमरेमैन आ गए हैं। कैमरामैन की फीलिंग लेते हैं। ये सिनेमैटिक कैमरा है शायद, तकड़ा ज्यादा ही, दूरबीन भी है, दूरबीन भी है साथ में। गलती आगे, आपको कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा। आप दोबारा आओगे? वेरी गुड। साइड में स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग पूल, रेसलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जिम वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे। हमारे बंदे सारे बैठ गए हैं और ये मैट बिछ गया है यहाँ पे। अभी डिस्कस हो रहा है कि बच्चे को डालना चाहिए कि नहीं किस ग्रुप में। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हैं कि ग्रुप में ऐसे ऐसे होता है। हाँ जी बताइए जी, फिर बच्चे को छोड़ना आना पड़ रहा है रोज भी? फिर देखो, छोड़ने आने वाली जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, आरसीएफ आना पड़ेगा स्पेशल। फिर बाकी है कि आना तो बच्चे को डालना तो चाहिए। हाँ बच्चा चलो बाहर जाएगा। ये देखो हमारी बातों बातों में बच्चे कहाँ निकल गए हैं दूर, और यहाँ पर कितनी फैमिली आ रखी हैं बता रहे हैं कि आज रश कम है वैसे संडे को, बाकी दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और बच्चे भी इनके साथ आ चुके हैं खेलने के लिए। उधर माँ बेटी दोनों खेल रही हैं फुटबॉल। वो गुस्सा हो गया बने, बोलो जी। आओ बेटा गड्डी जाना, लाइट आ गई। ये बच्चा अब जिद कर रहा है कि मैंने गाड़ी में जाना है, मम्मू के साथ ही जाना है। किथे जाना? येलो गड्डी थोड़ी है, येलो गड्डी नहीं बेटा, व्हाइट गड्डी है। चलो कोई नहीं, गाड़ी में छोड़ देते बेटा आपको। चलो ठीक है। ये देखिए तैयारी चल रही है पूरी कल के खाने के लिए। हाँ जी भाई, ये दाल पीसी जा रही है, बनता गैस के साथ, क्या बनता है? पल्ले, इसके
इसके बनेंगे दही भल्ले। दही भल्ले देखो जी, घर के बना रहे हैं, वैसे बाहर भी मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं नहीं जी घर की चीज घर की है, कह रहे खेती भी घर की है, खेती करके ऑर्गेनिक खेती करें। देखिए हमारे घर ना यहाँ पर मतलब जब भी टीवी चलता है यही कार्टून चलते हैं, अगर कोई और तोते मैना हम तो और कुछ देख ही नहीं पाते हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं ये बताइए, कमेंट करके बताइए कि सभी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो सभी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं क्या? ये देखो कितनी मेहनत कर रही है दही भल्ले बनाने के लिए कल के लिए, ये होती है श्रद्धा पूर्वजों के लिए। देखो कैसे तैयार हो रहे हैं मस्त, अब पूरियों का नंबर आ गया जी, पूरियां बननी शुरू हो गई हैं, पूरा माहौल बन रखा है। अब सुबह उठे हैं तो ये नई प्रॉब्लम आ गई है, मोटर नहीं चल रही, देखो वोल्टेज तो आ रही है पूरी लेकिन मोटर ऑन करे ना अंपेयर नहीं उठा रही है, मतलब कहीं कनेक्शन वगैरह इसका टूट गया है, अब फ़ोन करना पड़ेगा। मोटर की बड़ी दिक्कत हो गई है, पानी हो गया ख़त्म, अब पड़ोसियों से पानी ले रहे हैं, तो बच्चों को नहाना भी है, सबने नहाना भी है, बड़ी दिक्कत हो गई है। मोटर वाले का बैठ के वेट कर रहे हैं, अभी तक आया तो है नहीं बंदा, 10:30 होने वाले हैं, देखो कब तक पहुंचते हैं। आप चीन की आवाज सुन के बेचारा बच्चा एकदम घबरा गया और वो लपया, इसकी तार सड़ गई है सारी, वो सारी चेंज करनी पड़ेगी, अब मोटर सही है, चलो सही करते हैं, देखो कितना टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि अभी हमारी मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो पानी नहीं आ रहा था, वो चल ही नहीं रही थी मतलब, तो मोटर वाला आया था उसने चेक करा तो पता लगा उसकी तार में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तार खराब हो गई थी, तो उसने सारी तार रिप्लेस करी है, तो रिप्लेस करके वो चला गया और मोटर हमारी सही होगी और पानी मतलब हमें मिल गया। तो उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप सबसे, मेरी वाइफ ने पूछा था आपसे कि इनकी एज कितनी है, तो आप सब ने उस पर कमेंट करके सब ने अपने अपने आंसर बताए कि आपकी एज कितनी है, तो वैसे तो सबसे अच्छा आंसर था अमन कुमार का, उसने तो भाई कमाल ही कर दी, उसने 23 साल बताई अपनी एज, मेरी एज तो मतलब नज़ारे आ गए, मैं तो हो गया एक हफ्ता हो गया चौड़ा होकर घूम रहा हूँ, 23 साल की उम्र है मेरे, 2 बच्चे हैं मेरे 23 साल की उम्र है, सबसे अच्छा आंसर था उसका। बाकी स्मिता राणा जी ने भी सही बताया, लगभग 23-24 25 बताया उन्होंने, वो भी ठीक था, सविता का भी ठीक था 28 साल, बाकी एक भूपिंदर कुमार जी ने आंसर दिया 35 साल, तो बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में दिल ही टूट गया मेरा, तो बस क्या कहूँ मैं, बस भूपिंदर कुमार जी दिल तोड़ दिया आपने तो अब आंसर जो इसका सही आंसर है वो तो वही बता सकता है इंसान जिसने क्वेश्चन पूछा है, वो उसका राइट भी बनता है, तो अब ये आंसर तो श्वेता ही बताएगी क्या है सही आंसर। लो जी इन्होंने तो अपने हिसाब से सही आंसर बता दिए, वैसे अपने आप को ये 23 साल का बता रहे हैं लेकिन है नहीं है, जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद आया आंसर, तो एक्चुअल एज जो है वो मैं अब बताती हूँ आपको और उन सबका नाम भी बताती हूँ जिन जिन्होंने इनका सही आंसर दिया है। तो एक्चुअल एज जो है वो है 33 साल 33 ईयर्स, और सही जवाब दिया है तानिया सैनी, अभिषेक सैनी, गुरजंट जी, राहुल कुमार, साक्षी सिद्धा, उमापुरी जिन्होंने 32-33, चलो उनको भी हम सही मान लेंगे, एक गौरव कुमार है उन्होंने 34 लिखा था, लगभग पास में ही थे बस, बट जो एक्चुअल एज जो है वो है 33। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट करके बताया, क्योंकि हमें आप जब कमेंट करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हम और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, तो थैंक्स अ लॉट और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, थैंक यू।